जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। इन टुडेज लेक्चर वी डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग। तो इस लेक्चर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंडिविजुअल, एज ए कंज्यूमर, वो किस तरह डिसीजन मेकिंग करता है, कौन से ऐसे अवामिल हैं जो कि उसके डिसीजन मेकिंग में रोल प्ले करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट, कि कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या है। क्योंकि डिसीजन मेकिंग करनी है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम कितना इन्वॉल्व हैं वाइल परचेजिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। देन वी डिस्कस अबाउट द कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिर हम देखेंगे डिसीजन जो है वो किस तरह कंपोज होता है और सीरीज ऑफ स्टेजेस, कौन कौन से स्टेजेस उसमें इन्वॉल्व होती हैं। देन डिसीजन मेकिंग को हम देखेंगे किस तरह हम उसको रैशनलाइज कर रहे होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह हमारे रूल्स ऑफ थंब है जिसके थ्रू हम डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और कंज्यूमर कैसे रिलाई कर रहा है ऑन डिफरेंट डिसीजन रोल व्हेन एवेलुएटिंग द कंपीटिंग ऑप्शन। सबसे पहले हमारे पास आ गया कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट। अब कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट क्या है? इन्वॉल्वमेंट बेसिकली, जब हम इन्वॉल्वमेंट को डिफाइन कर रहे हैं तो इन्वॉल्वमेंट क्या है, द परसीव्ड रेलेवेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन वन नीड, वैल्यूज एंड इंटरेस्ट। इन्वॉल्वमेंट बेसिकली क्या है कि वो चीज़, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस वो आपसे किस तरह रिलेट कर रहा है, वो किस तरह, कितना आपके साथ रेलेवेंट है, तो वहाँ पे कंज्यूमर की इन्वॉल्वमेंट शो होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक गाड़ी परचेज करनी है तो गाड़ी आपके साथ कितनी रेलेवेंट है फॉर परचेजिंग, तो वहाँ पर आपकी इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़्यादा होगी। अगर हम इन्वॉल्वमेंट को देखें तो इन्वॉल्वमेंट बेसिकली फंक्शन है किसका, पर्सन का, सिचुएशन का और ऑब्जेक्ट का। एंटीसीडेंट इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, इन्वॉल्वमेंट में कौन से अवामिल हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल बीइंग को या इंडिविजुअल को इन डिसीजन मेकिंग, उसमें उसकी नीड है, इंपॉर्टेंस है, उसका क्या इंटरेस्ट क्या है, उसके वैल्यूज़ क्या हैं। फिर अगर हम डिफरेंस और स्टिमुलस फैक्टर्स देखेंगे, दो अगर अल्टरनेटिव में क्या डिफरेंशिएशन है, किस थ्रू उसके पास वो कम्युनिकेशन आई है, कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, एंड देन द सिचुएशन फैक्टर्स, कि किस सिचुएशन के ऊपर वो चीज़ परचेज की जा रही। अब इन्वॉल्वमेंट क्या होगी, आपकी प्रोडक्ट के साथ हो सकती है, आपकी परचेज डिसीजन के साथ हो सकती है, और आपकी एडवर्टाइजमेंट के साथ हो सकती है, और उसके आपके पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे जब आप किसी भी चीज़ के साथ इन्वॉल्व होते हैं, या तो आप उस चीज़ को परचेज़ करेंगे, या आपकी इन्फॉर्मेशन इंक्रीज़ होगी, या आपकी एक रिलेटिव इंपॉर्टेंस होगी और प्रोडक्ट क्लास के पास, या आपके पास इन्फ्लुएंस होगा प्राइस ऑन ब्रांड चॉइस, तो ये आपके पास एक डिफरेंट एक इन्फॉर्मेशन बैंक आपका बनता जाएगा। तो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट में आपके कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो चीज़ें आप कोई भी चीज़ परचेज़ कर रहे हैं तो कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं आपके परचेज़ के ऊपर, आपके पर्सनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, आपके स्टिमुलस फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और आपके सिचुएशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। भी जब हम लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट की बात करें, फ्रॉम इनर्शिया टू पैशन, इनर्शिया बेसिकली क्या है, इज़ द कंजम्पशन एट द लो एंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट, डिसीजन मेड आउट ऑफ हैबिट, इसमें आपके लैक ऑफ मोटिवेशन होता है। फॉर एग्जांपल, आपने एक लेज का पैकेट परचेज करा तो वहाँ पे आपकी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कम होगी एज कम्पेयर टू यू आर गोइंग टू परचेज अ कार, गोइंग टू परचेज एंड हाउस, और गोइंग टू परचेज एंड लैंड, तो वहाँ पे आपकी लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगी। फिर जो फ्लो स्टेट अक्कर्स है व्हेन कंज्यूमर आर ट्रूली इन्वॉल्व, आपका सेंस ऑफ कंट्रोल कितना, आप कितना उसके ऊपर कंसंट्रेट कर रहे हैं, आपका माइंड कितना सेटिस्फाई हो रहा है वाइल परचेजिंग दैट प्रोडक्ट, और आपके पास कितना टाइम है टू परचेज दैट प्रोडक्ट, तो ये तमाम आपके फैक्टर्स हैं जो कि आपके इन्वॉल्वमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट बेसिकली क्या आ गया, प्रोडक्ट इन्वॉल्वमेंट इज द कंज्यूमर्स लेवल ऑफ इंटरेस्ट इन द प्रोडक्ट, इट कैन बी कॉग्निटिव और इमोशनल, कि आपकी कितनी लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, कितना रेलेवेंट है वो प्रोडक्ट, उसको आप जज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉग्निटिव, लॉजिकली भी आप उसको देख रहे होते हैं और इमोशनली भी देख रहे होते हैं कि वो किस तरह आपके साथ रिलेट कर रहे हैं। फिर आपके पास आता है परचेज सिचुएशन फैक्टर्स। अब परचेज सिचुएशन जो है कि किस मौके पे आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं, वहाँ पे भी आपका लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हाई होगा या लो होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक वेडिंग गिफ्ट अपने दोस्त के लिए परचेज करें, शायद आप उसके लिए कोई 1,000-1,500 का कोई गिफ्ट लेंगे उसको आप प्रेजेंट करें, लेकिन अगर वही एक वेडिंग गिफ्ट आप अपने बॉस के लिए परचेज कर रहे हैं तो वहाँ पे आपकी सिचुएशन सेम गिफ्ट है, सेम इवेंट है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गया, बॉस आ गया, तो वहाँ पे आप हो सकता है एक एक्सपेंसिव चीज़ परचेज कर रहे हैं टू इम्प्रेस योर बॉस, तो सिचुएशन जो है वो भी इम्पैक्ट कर रही होती है आपकी इन्वॉल्वमेंट के ऊपर। देन हमारे पास आता है जी स्टेजेस क्या हैं इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। बेसिकली देयर आर 5 स्टेजेस इन कंज्यूमर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज़ अ प्रॉब्लम रिकग्निशन, फिर है इंफॉर्मेशन सर्च,
देन एवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स, देन प्रोडक्ट चॉइस एंड आउटकम। सिंपल अगर मैं इसको आपको समराइज करूँ तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को रेकग्नाइज करते हैं। सबसे पहले हम ये रेकग्नाइज करते हैं हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है। अब उस ज़रूरत को फुलफ़िल करने के लिए हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, हम इंफॉर्मेशन बैंक क्रिएट करेंगे, दोस्तों से पूछेंगे, फैमिली मेम्बर से पूछेंगे कि मुझे ये ज़रूरत है, मैं इस चीज़ को कैसे फुलफ़िल करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू हैव टू परचेज़ अ मोबाइल, तो आप उस मोबाइल की ज़रूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं। आफ्टर इंफॉर्मेशन सर्च आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आ गए। किसी ने कहा सैमसंग का मोबाइल परचेज़ कर लें, किसी ने कहा शाओमी का मोबाइल परचेज़ कर लें, किसी ने कहा कि आप जो है हवावे का मोबाइल परचेज़ कर लें। अब आप उसको एवेल्युएट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स, देन यू चूज़ द प्रोडक्ट। फिर आप जाके एक प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे और फिर उसके बाद उसका आउटकम आएगा, मीन्स दैट इज़ द पोस्ट परचेज डिसीजन, जिसे हम बिहेवियर कहते हैं, कि आफ्टर द परचेज ऑफ दैट प्रोडक्ट और सर्विसेज आर यू सेटिस्फाइड विद द प्रोडक्ट और आर यू डिससेटिस्फाइड और आर यू डिलाइट विद द प्रोडक्ट, वो हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले जो डिसीजन मेकिंग परस्पेक्टिव को अगर हम देखें तो कंज्यूमर रैशनल है व्हेन दे मेक परचेज डिसीजन। समटाइम कंज्यूमर आर रैशनल एंड समटाइम दे आर नॉट, दे बाय थिंग्स एट टाइम विद नो एडवांस प्लानिंग और इम्पल्स बाइंग। अब रैशनल इसमें बेसिकली क्या है कि जब हम इम्पल्स बाइंग कर रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गए हैं बाजार से चीनी परचेज करने, घर से आप चीनी परचेज करेंगे, आपने 5 kg चीनी परचेज की और घर आने लगा, वापसी पे आते हुए आपने एक लेस का पैकेट परचेज कर लिया। अब वो जो लेस का आपका पैकेट परचेज करना था वो आपकी इम्पल्स बाइंग थी, आउट ऑफ हैबिट आपने जाके एक चीज़ को परचेज किया। तो परचेज मोमेंटम बेसिकली क्या है, कंज्यूमर रिएक्ट टू द परचेज मोमेंटम विच इज़ व्हेन एन इनिशियल इम्पल्स परचेज इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड एंड वी विल बाय इवन मोर। अब परचेज मोमेंटम, आपने लेस का पैकेट उठाया, न्यू लेस का टेस्ट आया था, फ्लेवर आया था, बारबेक्यू था, आपने उसको टेस्ट किया और आपको वो पसंद आना शुरू हुआ, तो आप नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएंगे आप कहेंगे मैं नेक्स्ट भी लेस का जो बारबेक्यू वाला टेस्ट है उसको परचेज करूँ, तो वो आपका परचेज मोमेंटम बन जाता है। Then what cognitive processing styles affect consumer decision making process? Some have rational system that process information analytically and sequentially using logic, while other rely on experiential system of cognition. तो उसने बेसिकली कहा, इसमें बताना गया कि या तो एक दो सिस्टम्स आपके माइंड में चल रहे होते हैं, एक तो है एक्सपीरियंस बेस्ड, आपने एक चीज़ को लिया, प्रोडक्ट परचेज किया, उसको टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आपने उसको एक्सपीरियंस करने के बाद आप उसको या तो फर्दर रिकमेंड करेंगे या उसको आप रिजेक्ट कर देंगे, ये आपके एक्सपीरियंशियल। कॉग्निटिव लर्निंग में आप क्या करेंगे, एनालिटिकली आप उसको एनालाइज करेंगे, आप डिफरेंट अल्टरनेटिव्स देखेंगे, फीचर्स की बेस पे देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए ज़्यादा सूटेबल है, उस प्रोडक्ट और सर्विस को आप परचेज करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से हमारे पास आ गया कि अगर हम कंटिन्यूम ऑफ बाइंग डिसीजन बिहेवियर देखें, अगर एक्सटेंसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लिटिल प्रॉब्लम सॉल्विंग है और रूटीन की रिस्पांस है, तो वहाँ पे हमारे पास कौन से प्रोडक्ट आएंगे जो लो कॉस्ट प्रोडक्ट हैं, फ्रीक्वेंट परचेजिंग है, यहाँ पे आपकी इन्वॉल्वमेंट भी लो होगी और ये फैमिली प्रोडक्ट क्लास और ब्रांड होगी, आपको पता हो यार हमेशा हम ये प्रोडक्ट परचेज करते जाएंगे और मार्केट से जाके आप परचेज कर लेंगे। जब आप एक एक्सटेंसिव, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में आपने गाड़ी परचेज करनी है, तो वो एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है, हर दूसरे दिन गाड़ी आप परचेज नहीं कर रहे, तो इट्स इनफ्रीक्वेंट परचेजिंग, हाई कंज्यूमर इन्वॉल्वमेंट है एंड अनफेमिलियर प्रोडक्ट क्लास है, क्योंकि अब जैसे न्यू कार के वेरिएंट्स आ गए तो उसको आप आइडेंटिफाई करेंगे, एंड एक एक्सटेंसिव थॉट सर्च एंड टाइम प्रोसेस है जिसके बाद जाके आप चीज़ को परचेज करते हैं। अब सबसे पहले जो स्टेप आ गए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट इज प्रॉब्लम रिकग्निशन, कि आप प्रॉब्लम को कैसे रेकग्नाइज करेंगे, मीन आपको कैसे पता लगेगा कि मुझे अब इस चीज़ की ज़रूरत है। तो वो बेसिकली दो कॉन्टिनम हैं, एक है आपके पास आइडियल स्टेट और एक है आपके पास एक्चुअल स्टेट। अब आइडियल स्टेट है कि आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं इसको एग्जांपल के साथ करूँगा, आपके पास अभी एक स्मार्टफोन है, फॉर एग्जांपल आपके पास अभी नोट 7 है, ठीक है, और आप कहते हैं नोट 8 है, ठीक है, और आप कहते हैं मेरे पास नोट 10 होना चाहिए। एक्चुअल आपके पास नोट 8 है और आप कहते हैं मेरे पास नोट 10 होना चाहिए, दैट इज़ योर आइडियल स्टेट। अच्छा, अब दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आपकी एक्चुअल स्टेट से आपकी आइडियल स्टेट इंक्रीज कर जाए तब आप रिकग्नाइज करेंगे, या आपकी एक्चुअल स्टेट जो है वो बिलो हो जाए आपकी आइडियल स्टेट। फॉर एग्जांपल नोट 11 लॉन्च हो गया, ठीक है, अब आपके आइडियल स्टेट इंक्रीज हुई, तो आपने वहाँ से अपॉर्चुनिटी को रेकग्नाइज किया कि अब मेरे पास ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं इस चीज़ को परचेज कर सकता हूँ, तो वो क्या आ गया, आपके पास अपॉर्चुनिटी रेकग्निशन आ गई।
देन नीड रिकग्निशन क्या होगी, आपका फ़ोन स्नैच हो गया, गिर गया, या सॉफ्टवेयर ख़राब हो गया, कोई भी एक इशू आ गया। अब आपके पास, पहले अगर नोट 10 था तो अब आपके पास एक स्मॉल छोटा फ़ोन आ गया, ठीक है, जिसे जैसे आप कॉल करें तो अब आपकी क्या हो गया, आपकी एक्चुअल स्टेट भी नीचे आ गई। तो यहाँ से आप नीड को रिकग्नाइज करेंगे। तो बेसिकली जब आपका गैप इंक्रीज होता है बिटवीन द आइडियल स्टेट एंड द एक्चुअल स्टेट, वहाँ पर हम अपनी चीज़ों को रिकग्नाइज करते हैं कि अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है या इस चीज़ को अब हमने हासिल करना है। देन आफ्टर रिकग्नाइजिंग आपको प्रॉब्लम, आपको पता लग गया जी मैंने अब मोबाइल परचेज करना है, ये आपकी क्या थी, प्रॉब्लम रिकग्निशन थी, प्रॉब्लम को आपने रिकग्नाइज कर लिया। देन है आपके पास इंफॉर्मेशन सर्च। अब इंफॉर्मेशन सर्च क्या है, द प्रोसेस बाय विच वी सर्वे द एनवायरनमेंट फॉर अप्रोप्रिएट डाटा टू मेक अ रीजनेबल डिसीजन। अब इसमें हम क्या कर रहे होते हैं कि हम मार्केट को स्टडी करते हैं, हम एनवायरनमेंट को स्टडी करते हैं, फैक्टर्स उनको देखते हैं, वहाँ से हम एक इंफॉर्मेशन बैंक क्रिएट कर रहे होते हैं ताकि हम एक रीज़नेबल डिसीजन कर सकें। अब इसमें प्री परचेज आपकी इंफॉर्मेशन सर्च भी होती है एंड ऑन गोइंग सर्च भी होती है। प्री परचेज आपको वैसे ही मोबाइल की इंफॉर्मेशन रखने का शौक है, ठीक है, तो आपकी आप उससे पहले ही आपने रखा होगा अच्छा या लेटेस्ट मोबाइल कौन से आ रहे हैं, उनमें क्या फ़ीचर्स आ रहे हैं, डिफरेंट कंपनी रियलमी कौन से मोबाइल लॉन्च कर रही है, शाओमी कौन से लॉन्च कर रही है, देन सैमसंग के कौन से न्यू मोबाइल आ रहे हैं, तो वो क्या आ गया आपकी प्री परचेज रिसर्च है। ऑन गोइंग रिसर्च में आपको प्रोडक्ट के साथ, जैसे मैंने भी बात की कि आपको प्रोडक्ट के साथ इन्वॉल्वमेंट है तो इसलिए आप परचेज है, प्री परचेज परचेज करने से पहले आपको आया तो आपने उस टाइम सर्च करना शुरू की। मोटिव्स क्या होते हैं कि जो प्री परचेज रिसर्च है उसमें आपके मोटिव क्या है कि आप एक बेटर परचेज डिसीजन कर सकें। ऑन गोइंग में आपका क्या होता है कि आप अपने बैंक ऑफ बिल्डिंग बैंक कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन का। आउटकम क्या है, बेटर परचेज डिसीजन, और यहाँ पे आपके पास इंक्रीज इंपल्स बैंक, क्योंकि जब आपके पास ऑन गोइंग सर्च होगी आपको पता होगा मार्केट में ये मोबाइल अवेलेबल है तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, आप जाएंगे और मार्केट से जाकर फ़ौरन मोबाइल परचेज कर लेंगे। एज़ कम्पेयर टू अगर आप प्री परचेज सर्च करेंगे कि जब आपको पहले से नहीं पता तो वो टाइम टेकिंग होगी और उसके बाद जाके आप चीज़ को परचेज करें। तो ये सेकेंड स्टेज आ गई जिसमें आप इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं। अब उसी को हम फर्दर एलेबोरेट कर रहे हैं सर्चिज में, डेलिब्रेट है वर्सेज एक्सीडेंटल सर्च है। डेलिब्रेट या डायरेक्टेड लर्निंग क्या होता है कि आप एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट नॉलेज ऑब्टेन फ्रॉम द प्रीवियस इंफॉर्मेशन सर्च और एक्सपीरियंसेस ऑफ अल्टरनेटिव्स। अब यहाँ पे क्या है कि आप डायरेक्टली चीज़ों को देख रहे हैं, उसको इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहे हैं कि प्रीवियसली लोगों ने अगर मोबाइल रिव्यूज चेक करो तो ये क्या आपकी डायरेक्ट लर्निंग है। इंसिडेंटल लर्निंग क्या है, मेयर एक्सपोजर ओवर टाइम टू कंडीशन स्टिमुलाई एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर्स। तो यहाँ पे आपके पास कोई एक ऑब्जर्वेशनल नहीं है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, आपके पहले से उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो आपके पास इंसिडेंटल लर्निंग आ जाती है। डायरेक्ट लर्निंग कि आप खुद से जाके इंफॉर्मेशन को सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, और यहाँ पे आपका एक्सपोजर नहीं है, ठीक है, वो अब रिगार्डिंग द स्टिमुलाई और ऑब्जर्वेशन ऑफ अदर। तो इंटरनल सर्चेज आर बेस्ड ऑन योर ओन मेमोरी बैंक वाइल एक्सटर्नल सोर्सेज कम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इंटरनल सर्चेज विद इन योर सेल्फ होती हैं, आप खुद से चीज़ों को सोच रहे होते हैं, जो एक्सटर्नल है वो आउटसाइड द सोर्सेज आपके पास इंफॉर्मेशन होती है जहाँ से आप उसको गैदर कर रहे होते हैं। अब इसी में जब हम सर्चेज कर रहे होते हैं तो हम लोग क्या बायसनेस कर देते हैं अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, सबसे पहले तो हम मेंटल अकाउंटिंग कर रहे होते हैं। मेंटल अकाउंटिंग क्या है कि हम फ्रेम कर रहे होते हैं प्रॉब्लम को इन टर्म्स ऑफ गेन लॉसेज इन्फ्लुएंसेस आवर डिसीजन, कि हम देखते हैं कि यार इस चीज़ को परचेज करने से हमारा फ़ायदा कितना है और नुकसान कितना है, हमने पहले ही अपने माइंड के अंदर उस चीज़ को बनाना शुरू कर लिया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि बायसनेस आ जाएगी, हम डिसीजन सही तरह से चीज़ों को नहीं कर सकेंगे। देन संक कॉस्ट फैलेसी क्या आता है, वी आर रिलक्टेंट टू वेस्ट समथिंग वी हैव पेड फॉर। अब यहाँ पे हमने जो चीज़ परचेज कर ली फॉर एग्जांपल वो अच्छे बेनिफिट भी नहीं दे रही तो हम फिर भी उस चीज़ को लेके जाके यार ये ना हो ये चीज़ बाद में हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो। लॉस अवॉइडन, हम ज़्यादा फोकस इस पे कर रहे होते हैं लॉसेस पे एज कम्पेयर टू गेन। देन हमारे पास आता है प्रॉस्पेक्ट थ्योरी, दैट इज़ अ रिस्क डिफर्स व्हेन वी फेस गेन वर्सेस लॉसेस। अब यहाँ पे आके कि रिस्क हमारे पास कितना है कि हमें कितना रिस्क लेना पड़ेगा फॉर दैट परचेज, फॉर दैट पर्टिकुलर परचेज ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। देन हाउ मच सर्च अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्च एंड प्रोडक्ट नॉलेज एज अ जनरल परचेज डिसीजन दैट आर परसीव्ड एज रिस्की विल इनवॉल्व मोर एक्सटेंसिव सर्चेज। जब आपके पास जब आप परसीव कर लेते हैं कि यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है तो आप बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन लेते हैं, और रिस्क कब फेल्ट होता है, व्हेन एवर देयर इज अ बिलीव दैट देयर मे बी अ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस एसोसिएटेड विद द चीज। फॉर एग्जांपल आप मोबाइल परचेज करें तो आपको ये हो यार
हो सकता है कि इसकी बैटरी टाइमिंग का इशू, अब एक रिस्क इन्वॉल्व हो गया तो आप उसके लिए ज़्यादा एक इन्फॉर्मेशन सर्च करेंगे, इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे ताकि आपके डिसीजन मेकिंग ज़्यादा अच्छी हो सके। फिर हमारे पास कौन से टाइप ऑफ रिस्क हैं? देर आर फाइव टाइप ऑफ रिस्क। वन इज़ द मॉनेटरी रिस्क, फंक्शनल रिस्क, फिजिकल रिस्क, सोशल रिस्क एंड साइकोलॉजिकल रिस्क। मॉनेटरी रिस्क, आपने एक चीज़ परचेज़ किया, आपने कहा यार अगर ये अच्छी ना निकली मेरे पैसे ही ना ज़ाया हो जाए, जो रिस्क इन्वॉल्व होता है विद फाइनेंशियल वो आपका मॉनेटरी रिस्क है। जो रिस्क इन्वॉल्व होता है फंक्शनिंग ऑफ द मोबाइल या ऑपरेशन ऑफ द एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो वो फंक्शनल रिस्क है। फिज़िकल रिस्क है कि उस प्रोडक्ट को यूज़ करने से आपको हेल्थ के कोई इश्यूज ना आए, तो वो आपका फिज़िकल रिस्क है। सोशल रिस्क है कि आप कोई मोबाइल अगर परचेज करें तो उसको सोसाइटी कैसे देख रही है, क्या वाकई उस स्मार्टफोन को सोसाइटी एक्सेप्ट भी करती है, तो सोशल रिस्क है। देन साइकोलॉजिकल रिस्क कि आप उस मोबाइल को यूज़ करने, हमने बात की थी ना मेंटल इन्जॉयमेंट की, कि आपका माइंड उसके बाद सेटिस्फाइड है कि नहीं है, तो वो आपका एक साइकोलॉजिकल रिस्क भी होता है कि यार मैं बार बार, फॉर एग्जांपल जैसे मैं भी को मैंने सिस्टर को मोबाइल पर चेज करके दिया, उनको मैंने जस्ट बता दिया कि यार इसका वेट जो है वो 200 ग्राम है, अब एक उस लाइक साइकोलॉजिकली उनके पास आएगा मोबाइल देखने के, नहीं ये मोबाइल वजनी है, अब तक ऑलमोस्ट अब जितने भी स्मार्टफोन आ रहे हैं उनका वेट जो है वो 190-195 ग्राम तक है, तो वो एक साइकोलॉजिकल एक उनके पास आ गया कि जस्ट 5 ग्राम ज़्यादा होने से उनको ऐसा लग रहा है कि इस मोबाइल का वेट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है आपके पास साइकोलॉजिकल रिस्क है। देन एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, जब हम कर रहे हैं स्टेज थर्ड एवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव, जैसे टू सेट्स होते हैं, एक इवोक सेट है, एक आपके पास कंसिडरेशन सेट है। इवोक सेट वो प्रोडक्ट या सर्विस जो आपके सबसे पहले माइंड में आती है वो हमारा इवोक सेट है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर आपने अभी कौन से सॉफ्ट ड्रिंक पीनी है और आप फॉरन कहते हैं कि आई हैव टू टेक अ कोका कोला, एट द कोका कोला दैट इज़ इन योर इवोक सेट। कंसिडरेशन सेट में क्या आते हैं? वो प्रोडक्ट कि अगर आपको जो इवोक सेट में प्रोडक्ट है वो अवेलेबल नहीं है, तो आप और कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं या देख सकते हैं, तो वो आपका कंसीडरेशन सेट है। फॉर एग्जांपल अगर कोका कोला अवेलेबल नहीं है तो आप कहेंगे ठीक है सर मैं स्प्राइट पी लूँगा या फेंटा पी लूँगा या मैं पेप्सी पी लूँगा, अब ये आपके कंसीडरेशन सेट के अंदर है। अगर हम इसी तरह इनको कैटेगराइज करें तो बेसिकली एक आपके पास सबऑर्डिनेट लेवल, सुपरऑर्डिनेट लेवल है, फिर बेसिक लेवल है एंड देन सबऑर्डिनेट लेवल है। फॉर एग्जांपल डेजर्ट वुड बी सुपरऑर्डिनेट लेवल के आपने कुछ चीज़ मीठे में खानी है। अब मीठे में दो चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें जो कि फैटनिंग हैं और नॉन फैटनिंग है, वो बेसिक लेवल में आ जाएगा। नॉन फैटनिंग डेजर्ट्स में आपके पास फिर आगे जो सबऑर्डिनेट लेवल है कि हम यहाँ पे कैटेगराइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट को कि हम कौन से लेवल पे जाके प्रोडक्ट को देख रहे हैं। फैटनिंग में हमारे पास आइसक्रीम पाए केक है, वे जो नॉन फैटनिंग डेजर्ट्स में देखते हैं तो हमारे पास फ्रूट्स हैं, योगर्ट हैं और लो फैट आइसक्रीम है। सो प्रोडक्ट चॉइस, हाउ डू वी डिसाइड, अब हम किस तरह डिसीजन करते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। वंस वी असेंबल एंड एवेल्युएट रेलेवेंट ऑप्शन फ्रॉम अ कैटेगरी वी मस्ट चूज अमंग देम, हमने वो चूज़ में आ गया, अच्छे जी फैटनिंग, फैटनिंग के बाद हमने कहा केक खाना, ठीक है, अब वहाँ से हम डिसाइड करेंगे कि हमने मोबाइल परचेज करना है, तो अब उसमें डिसीजन रूल्स हैं फॉर प्रोडक्ट चॉइस कैन बी वेरी सिंपल और वेरी कॉम्प्लिकेटेड। प्रायर एक्सपीरियंस विद अ सिमिलर प्रोडक्ट, अगर आपने पहले से वो प्रोडक्ट परचेज किया हुआ, आप पहले से ही सैमसंग का फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो आपका एक प्रायर एक्सपीरियंस, आप कहेंगे नेक्स्ट भी मैं सैमसंग का ही मोबाइल परचेज करूँगा या प्रेफर करूँगा। देन प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन एट अ टाइम ऑफ प्राइस, जो आप करंट इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं रिगार्डिंग स्मार्टफोन दैट आर अवेलेबल इन द मार्केट, तो आप उसकी बेस के ऊपर डिसीजन मेकिंग कर रहे होंगे। देन योर बिलीफ अबाउट ब्रांड, जो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू आप अवेयरनेस कंपेन के थ्रू आपको एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है, उसके रिगार्डिंग आपका क्या यकीन है कि जो मैसेज दे रहे हैं वो वाकई सच है। फॉर एग्जांपल इफ दे सेड दैट जी अगर हमारे स्मार्टफोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी और वो आपको 48 आवर्स तक के आपको टॉक टाइम देगा, तो यू हैव टू आइडेंटिफाई क्या वाकई ऐसा है या नहीं, तो वो आपके क्या एक बिलीफ है जिसको आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं। देन एवेल्युएशन क्राइटेरिया हमारे पास क्या है? एवेल्युएशन क्राइटेरिया हमारे पास डायमेंशन यूज टू जज मेरिट्स ऑफ कम्पीटिंग ऑप्शन, हम सबसे पहले उनके फीचर्स को, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें मोबाइल परचेज करना है तो हम वहाँ से उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे, हम कहेंगे उसका कैमरा है, उसका बैटरी है, उसका साउंड है, उसका आप कह सकते हैं बैटरी टाइमिंग है, देयर आर सम 4 to 5 फीचर्स जिसको आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देन यू हैव टू डिटरमाइन एट्रीब्यूट फीचर वी यूज टू डिफरेंशिएट अमंग द चॉइसेस, देन यू हैव टू आइडेंटिफाई द क्राइटेरिया ऑन विच प्रोडक्ट कैरी मोर वेट, फिर आप देखते हैं कौन सा मोबाइल है उसमें वो ज़्यादा वेटेज एवरेज के थ्रू हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो मार्केटर जो है वो एजुकेट करते हैं कंज्यूमर अबाउट
डिटरमिन एट्रीब्यूट्स के हमारे पास कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं फ्रॉम अदर कंपेटिटर्स इन द मार्केट। थ्रू मार्केटिंग एंड थ्रू एडवर्टाइजमेंट हम ये मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं अपने ऑडियंस को। देन साइबर मिडरीज आ जाते हैं। द वेब डिलीवर्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन सेकेंड्स। जैसे अगर आपने फॉर एग्जाम्पल वर्ड मोबाइल पे जाते हैं तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप वहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं बिटवीन टू मोबाइल। तो वो आपके पास एक साइबर मिडरीज है, इंटरनेट मेथड्स हैं, ऑनलाइन मेथड्स हैं जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं जो आपको हेल्प आउट करती है इन फिल्टर एंड ऑर्गेनाइज ऑनलाइन मार्केट इन्फॉर्मेशन लाइक शॉपिंग डॉट कॉम, बिज रेट, माई सेमन, नेस्टैग एंड प्राइस गैबर, प्राइस स्कैन। ये तमाम ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप चीज़ों को एवेलुएट कर सकते हैं। देन ह्यूरिस्टिक्स आपके आते हैं जिनको हमने बात की। मेंटल रूल ऑफ थम्स आते हैं फॉर एफिशिएंट डिसीजन मेकिंग, दैट इज़ अ प्रोडक्ट सिग्नल मार्केट ब्रीफ एंड कंट्री ऑफ रीजन के प्रोडक्ट किस तरह डिलीवर कर रही है अपने सर्विसेज को, मार्केट का क्या बिलीफ है। अगर फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि मैंने एसी परचेज करना है तो जो एसी मैकेनिक होगा वो बताएगा जी ग्रीक एसी अच्छा है या हायर का एसी अच्छा है या कैनवुड का अच्छा, वो क्या मार्केट बिलीफ है। देन द कंट्री ऑफ ओरिजिन, जैसे आप अभी भी अपने वालदा से पूछेंगे मैंने एसी पैनासोनिक की परचेज करनी है तो वो क्या कहेंगे, मेड इन जापान। अब वो जापान का जो है वो एक कंट्री ऑफ ओरिजिन है, ये प्रोडक्ट कहाँ से बन के आ रहा है, तो वो भी आपके पास एक इफेक्टिव वे होता है फॉर डिसीजन मेकिंग। देन चूजिंग फैमिलियर ब्रांड्स जब हम कह रहे होते हैं इसमें आपके पास तीन चीज़ें आती हैं, जिप लॉ है, कंज्यूमर इनर्शिया है, ब्रांड लॉयल्टी है। जिप लॉ क्या, टेंडेंसी टू प्रेफर नंबर वन ब्रांड टू द कंपटीशन। फॉर एग्जांपल आप उसी ब्रांड को प्रेफर करेंगे जो नंबर वन इन द मार्केट होगा, वो कैस जिप लॉ है। तो कंज्यूमर इनर्शिया बेसिकली द टेंडेंसी टू बाय अ ब्रांड आउट ऑफ हैबिट मेयरली बिकॉज इट रिक्वायर्स लेस एफर्ट। कंज्यूमर इनर्शिया कहता है कि जी आप फिर किसी और ब्रांड की तरफ इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि आपको पता है कि मैं यही ब्रांड यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए आप उसी प्रोडक्ट को प्रेफर कर रहे होते हैं। और ब्रांड लॉयल्टी भी बेसिकली इसी तरह शो होती है जब हम रिपीट करते हैं अपने परचेजिंग बिहेवियर को, दैट रिफ्लेक्ट अ कॉन्शियस डिसीजन टू कंटिन्यू बाइंग द सेम ब्रांड। लेकिन जो लोग आईफोन यूज़ कर रहे हैं वो आईफोन ही यूज़ कर रहे हैं अभी तक, वो क्या है बेसिकली ब्रांड लॉयल है विद दैट शो द ब्रांड लॉयल्टी विद द प्रोडक्ट। देन हमारे पास नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल आ जाते हैं। नॉन कंपनसेटरी डिसीजन रूल बेसिकली क्या सजेस्ट करते हैं, दैट प्रोडक्ट दैट इज़ लो ऑन वन एट्रीब्यूट कैन नॉट कंपनसेट फॉर दैट वीकनेस विद द स्ट्रेंथ ऑफ अनदर एट्रीब्यूट। कि अगर एक प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट पे एक साइड पे वो वीक है, वो कभी भी उसको कंपनसेट नहीं कर सकता अगर वो एक साइड पे स्ट्रॉन्ग है। तो लिथोग्राफिक रूल क्या कहता है, कंज्यूमर सेलेक्ट द ब्रांड दैट इज़ बेस्ट ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। आप कहते हैं कि मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट क्या है, कैमरा। तो वो कहता है कि जो वो कहेगा अगर कैमरा सबसे अच्छा है तो इस बेस पे आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। एलिमिनेशन बाय एक्सपेक्ट रूल क्या कहता है कि द बायर आल्सो एवेल्यूएट ब्रांड ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट इम्पोज स्पेसिफिक कट ऑफ। अब यहाँ पे आपको स्पेसिफिक कट ऑफ नहीं लगा रहे, अब यहाँ पे आप एवेल्यूएट कर रहे हैं ऑन द बेसिस कि आपकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है उस पे प्रोडक्ट जो है वो किस तरह परफॉर्म कर रहा है। देन कंजक्टिव रूल में आप इंटेल प्रोसेसिंग बाय ब्रांड करते हैं, आप पूरी ब्रांड की प्रोसेसिंग करके देखते हैं कि इसके फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्मार्टफोन की ही बात करता हूँ कि इसका कैमरा, इसका बैटरी टाइमिंग, इसका जो स्क्रीन है, तो आप उसको पूरी इन डिटेल जजमेंट कर रहे हैं। कंपनसेटरी डिसीजन रूल वो सिंपल रूल्स हैं, सजेस्ट दैट द स्ट्रेंथ ऑन एन इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट कैन कंपनसेट, कि एक साइड पर अगर एक एट्रीब्यूट स्ट्रॉन्ग है दूसरी साइड पर अगर वीक है वो एक दूसरे को कंपनसेट कर सकते हैं। क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिंपल एडिटिव रूल कर रहे हैं, हमने एट्रीब्यूट लिख दिया और उसमें हम देखा कि फॉर एग्जांपल कैमरे में सैमसंग 1 से 10 में कहाँ लाइक कर रहा है, शाओमी 1 से 10 में कहाँ लाइक कर रहा है, और इसी तरह हम बात करते हैं हुआवे 1 से 10 में कहाँ लाइक कर रहा है, तो हम वो मार्क्स देते हैं उसके बाद ऐड कर लेते हैं जो ज़्यादा बेस्ट परफॉर्म कर रहा होगा उसी बेस के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग कर लेते हैं। तो ये बेसिकली रूल्स आ जाते हैं। और उसके बाद आफ्टर मेकिंग अ प्रोडक्ट चॉइस, जब हम प्रोडक्ट को चूज़ कर लेते हैं, लास्ट में हमारे पास आता है दैट इज़ आउटकम या पोस्ट परचेज बिहेवियर। इट कुड बी बेसिकली जिसमें आप सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं या डिलाइट हैं। आप सेटिस्फाइड कब होंगे, जब आपकी प्रोडक्ट की सर्विसेज यानी कि एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही एक दो चीज़ें होती हैं, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस इक्वल है आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से तो आप सेटिस्फाइड हैं, अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस बिलो है आपकी एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से तो आप डिससेटिस्फाइड हैं, और अगर आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस जो है वो हाई चली गई है फ्रॉम योर एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस तो आप डिलाइट है। मीन आपने कहा कि ये बैटरी टाइमिंग जो है इसकी चलें एक नहीं तो यार तकरीबन 30-35 30-36 घंटे जो है वो निकालेगी,
और अगर वो आपकी 30-36 घंटे निकालती है तो वो जो है आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस उस प्रोडक्ट की बराबर है उसके एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस से, तो आप सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर वो 48 घंटे निकाल जाती है, मीन उसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस अबव होगी उसकी आपकी एक्सपेक्टेशन से, तो आप डिलाइट होंगे। और वो अगर 12 घंटे भी ना निकाले तो वो क्या हुआ, आप वहाँ पे डिससेटिस्फाइड। तो ये बेसिकली आता है आपके पास इन द एंड के कंज्यूमर डिसीजन, जब प्रोडक्ट परचेज कर लेता है आफ्टर पोस्ट परचेज बिहेवियर या उसका आउटकम है। तो बेसिकली ये 5 स्टेजेस हैं, जिसमें सबसे पहले प्रॉब्लम रिकग्निशन है, देन इंफॉर्मेशन सर्च है, वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स है, परचेज है, एंड देन पोस्ट परचेज है। थैंक यू फॉर योर लिसनिंग। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो फिजिकल होगा, तो इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट फिजिकल पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़।